What's up guys, it's Nimanth Mishra right back and today is September 16th. So, today I am happy because... Hello friends! Today I am happy because weather is also good. बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है एंड अभी मेरी 11 बजे की बस है और मैं हो गया हूँ तैयार आराम से. अब मैं जा रहा हूँ बस को कैच करने. मेरी आज 12 टू 12 शिफ्ट है. एक्चुअली मेरा आज ऑफ था बाय द वे, तो मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मैंने बात करी थी. दैट्स सो नाइस ऑफ हर कि उन्होंने मुझे, क्योंकि आज मेरा वैक्सीन भी लगने वाला है, क्योंकि आज हमारे होटल ने वैक्सीन का कैंप लगाया है तो इसलिए आज मेरा वैक्सीन भी लगेगा. तो मैंने उनसे बोल मैम से मैंने परमिशन ले ली कि मैम आज मेरा शिफ्ट कर दीजिए. सो मैं आज मुझे फिर वैक्सीन लगेगा तो कल मुझे एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा. तो चलते हैं हम बस की तरफ और होप तो कि वैक्सीन लग जाए एंड कुछ साइड इफेक्ट ना आए. दिस इज़ माय सेकंड डोज एंड दैट्स सो नाइस ऑफ माय होटल कि उन्होंने अरेंज करा दिया, वरना तो बाहर जाना पड़ रहा था मुझे और फिर तो ऐसे ही थक जाते हैं. तो दैट्स सो नाइस ऑफ देम. सो लेट्स गो. यो सो वी आर डन विद द वैक्सीनेशन. माय इधर है ना हाउस वाइफ. यो सो वी आर डन विद द वैक्सीनेशन. अब हम जा रहे हैं रिपोर्ट करने. बाय बाय. वैक्सीनेटेड. गाइस इट्स मी मंथ रेशो राइट बैक. मेरे बाल मैं अभी बज रहे हैं 11:42. मैं 11:25 पे उठा था. रात में आया था मैं 1 बजे, तो सो गया था उस टाइम. और को वैक्सीनेशन लगी थी कल और मैं कल वीडियो बनाना भूल गया उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद. क्योंकि पता क्या हुआ, एक तो इतना वैक्सीनेशन लग गया पहली बार एंड उसके बाद काम कर लिया. वहाँ पे काम करना होता है उसका तो एकदम फट के हाथ में आ गई, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं हुई करने की. तो अभी हम जा रहे हैं कुछ ख़रीदने क्योंकि मुझे भूख लग रही है, इसलिए मेरी नींद खुल गई एंड अभी बारिश हो रही है तो इसलिए मैंने छाता ले लिया है. तो हम कुछ देखते हैं क्या खरीद सकते हैं हम. लेट्स गो. सो यहाँ पे हो रही है बारिश एंड यहाँ मेरे पैर भींग रहे हैं, इतना बड़ा छाता है नहीं है. तो मेरा लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है सही वाला, मतलब उतना भी तेज नहीं पर हो रहा है यार. एंड आज उनको आलस आलस फील हो रहा है और ये बारिश तेज हो गई. मुझे अभी खाने का मन कर रहा है कि मैं अभी दूध के साथ कुछ कॉर्नफ्लेक्स ये सब ऐसे खाऊं, वरना पता भी मैं उठने नहीं वाला था. मेरे को भूख लगी, मैं इसलिए उठ गया. ओ भाई आज मेरे को कपड़े भी साफ़ करने हैं पर मैंने कपड़े साफ नहीं किया क्योंकि अभी बारिश हो रहा है. मैं बारिश कहाँ पे उसको मैं सूखने के डालूँगा. तो मैं सोच रहा हूँ मैं शाम को कर लूँगा एक बार. नमस्ते भैया. देखो पैर गीले हो गए मेरे तो पूरे. तो लेट्स सी कि हम क्या खरीद सकते हैं. हम खरीदेंगे दूध का पैकेट और साथ में भैया कोई कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, कॉर्नफ्लेक्स ये सब कुछ नहीं है. हाँ चॉको और कोई नहीं है.
यार भैया यार दुखी कर दिया। ब्रेड बोन प्राइम टाइम ब्रेड, इसके साथ ये यहाँ पे स्वीट ब्रेड भी है। एक केक था बंदी ले लिया मैंने, तो किसी की अगर भूख लगी तो ऐसे सिंपल खा सकते हैं, बस घर में जैम रखा हुआ है। सो व्हाट्स अप गाइस, अब हम नहा चुके हैं, थैंक गॉड हम नहा चुके हैं। एसी सारे वो जा रहे हैं बकरी। सो हम नहा चुके हैं एंड हम चाय ले आए, तो चाय बना लिया था, पैकेट लाए थे तो चाय भी बन चुकी है। एंड चाय भी बन चुकी है एंड बारिश रुक गई है थैंक गॉड। तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही प्यारा पड़ रहा है, पानी पानी हो गया हर जगह, तो कहीं पर घूमने का मन नहीं कर रहा है। आज मैंने सोचा था कपड़े धोऊंगा पर हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा है, तो पता नहीं कैसे करूँगा। बट हम चाय, मैंने अभी जाके भी समोसा और क्या बोलते हैं समोसा एंड ब्रेड पकौड़ा एंड दो रसगुल्ले खा लिया था मैंने, तो बस थोड़ा 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 बॉडी पे मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा आलस टाइप यू कैन से, तो वो हो रहा है और ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है, पर कुछ मन करने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है बहुत। Yo, so what's up? अभी हम खा रहे हैं ऑमलेट एंड ये है जूस मेरा फेवरेट वाला, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। एंड ये है गरम गरम जलेबी। ओह माय गॉड, मुझे पता है आपकी मुँह से पानी आ रहा है बट हम क्या कर सकते हैं। हेलो मैं जलेबी आ गया यार। तो अभी बज रही है 10:40, तो अभी हम जा रहे हैं सोने एंड कल मेरी है बीडी शिफ्ट विच इज़ योर 7 to 12 एंड शाम को फिर 7 PM to 12 AM तक, तो कल 5 बजे उठना होगा, तो हम उठेंगे 5 बजे, 5 बजे उठ के फिर 6 बजे तक नहाएंगे, फिर 6 बजे फिर से हमारी बस लेट होगी और फिर से हम स्टोरी डालेंगे और फिर से ये हंसेंगे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। ये है आर्यन पचौरी, ये हमारी इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ही कॉलेज से हैं, बहुत ही वाहियात हैं ये। कुछ कहना चाहेंगे आप वाहियात इंसान? वाहियात इंसान क्या बोलेगा? पॉइंट, इनने आज तक जिंदगी में कुछ अच्छा बोला है कि वाहियात इंसान क्या बोलेगा, तो अब हम चलते हैं। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो हाँ, तो अब हम चलते हैं, गुड नाइट, तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा, मंथर मिश्रा को फॉलो कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट इंसान है। ओके बाय।